हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर वीवो मोबाइल में एसडी कार्ड शो नहीं कर रहा है, एरर वाली प्रॉब्लम आ रही है, तो कैसे आप इसे 100% सही कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, सबसे पहले आपको मोबाइल की सेटिंग्स में जाना है, फिर आपको यहाँ पर एक सेटिंग मिलेगी स्टोरेज नाम की। आपको इस वाले ऑप्शन पे, इस सेटिंग पे क्लिक करना है स्टोरेज पर। जैसे क्लिक करेंगे आपको नीचे यहाँ पर चेक करना है एसडी कार्ड शो कर रहा होगा, तो यहाँ पर दिखाएगा एसडी कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है, मेरा अवेलेबल दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है, आपके फ़ोन में भी दिखाएगा। अगर आपके फ़ोन में नहीं दिखा रहा है तो फिर आपको सबसे पहले करना क्या है, देखिए आपको अपने मोबाइल से जो जहाँ पर आप लगाते हैं मेमोरी कार्ड को, एसडी कार्ड को, उसे निकालना है बाहर, उस स्लॉट को बाहर निकालना है और अच्छे से एसडी कार्ड को साफ़ कर लेना है, बिल्कुल भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। और जिसमें सिम डालते हैं उसे भी अच्छे तरीके से चेक कर लेना है, साफ़ है कि नहीं, सही है कि नहीं, और आप एसडी कार्ड को सही लगाए हैं कि नहीं आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर बना हुआ रहता है, आप चेक करके सही तरीके से लगा देना, साफ़ करके लगा देना। जैसे ही लगाएंगे तो फिर आप अपने अगर फाइल मैनेजर को भी ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये बता देगा कि एसडी कार्ड शो कर रहा है कि नहीं। अगर फिर भी शो नहीं कर रहा है तो फिर आपको क्या करना होगा, फिर से एसडी कार्ड को निकाल देना अपने फ़ोन से और उस एसडी कार्ड को किसी दूसरे फ़ोन में लगाना है, किसी कीपैड या एंड्रॉयड वाले फ़ोन में लगाकर चेक करना है कि उसमें शो कर रहा है कि नहीं, पकड़ रहा है कि नहीं। अगर शो कर रहा होगा तो फिर आप जान जाना सही है, या फिर अगर उसमें भी शो नहीं कर रहा है तो आप किसी और तीसरे फ़ोन में भी चेक कर सकते हैं, चेक करने के लिए कि पकड़ रहा है कि नहीं, मतलब अप्रूव करने के लिए कि सही है कि नहीं है एसडी कार्ड। अगर किसी फ़ोन में नहीं पकड़ता है तो आप जान जाना कि आपका एसडी कार्ड शायद ख़राब हो चुका है, आप फॉर्मेट उसे करवा सकते हैं, या फिर अगर किसी कीपैड फ़ोन में वो शो कर लिया तो आप सबसे पहले उसे फॉर्मेट कर देना। फॉर्मेट करने के बाद आप एंड्रॉयड फ़ोन में, अपने एंड्रॉयड फ़ोन में लगा देना सही तरीके से साफ करके, तो फिर आपके भी फ़ोन में वो शो कर देगा। देखिए यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने भी बिल्कुल इसी तरीके से किया, मेरे फ़ोन में भी कभी कभी शो नहीं करता है, तो मैं सबसे पहले उसे अच्छे से साफ़ करके लगाता हूँ, तो यहाँ पर सही तरीके से लगाता हूँ तो यहाँ पर शो कर लेता है, या दूसरे फ़ोन में लगाकर फॉर्मेट करके आप लगाएंगे तो भी यहाँ पर शो कर लेगा, और इस तरीके से आप इसे शो करा सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। थैंक यू।